अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शफायत खान ऑन योर स्क्रीन। अभी इस टाइम फेब 26, आप सब खैरियत से हैं और जिन बच्चों के MDCAT के एग्ज़ाम हैं उसके लिए पढ़ रहे हैं, जिनका AKU का एग्ज़ाम है वो AKU के लिए पढ़ रहे हैं, और जो बेचारे हम जैसे MBBS में हैं MBBS के अपने एनुअल्स की या तो तैयारी कर रहे हैं या तो उससे गुजर चुके हैं या तो अभी फारिग हो गए, राइट। सो ये टाइम मेजॉरिटी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा टफ, और ऑब्वियसली बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं A levels हैं, CIEs हैं, तमाम के तमाम एग्ज़ाम्स की फुल प्रेप आप सबकी उम्मीद है खैरियत से चल रही होगी, ठीक है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात आप सबसे करनी थी, इसलिए मैं यहाँ ये वीडियो बना रहा हूँ अपने पेपरों के बीच में, वो ये है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो 5 मार्च ऑनवर्ड्स MDCAT प्योर MDCAT का बैच शुरू होगा इंशाल्लाह, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स पर मेन फोकस रहेगा हमारा। उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, उसके लिए आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके अवेलेबल होऊंगा। जो टीचर्स हैं हमारे पास इस MDCAT बैच में, वो टीचर्स AKU और DAO के हैं, वही टीचर्स जो कि AKU में अभी MBBS कर रहे हैं या DAO में MBBS कर रहे हैं। कराची में कोई भी स्टूडेंट हो, टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस, हर मेडिकल स्टूडेंट का यही ड्रीम होता है ना, यही दो मेडिकल कॉलेजेस, या तो AKU या तो DAO, या तो ये दोनों में एडमिशन हो जाए। तो मतलब मैं यही समझूंगा कि सबसे बेस्ट उसी को समझा जाता है जिनका इन दोनों में एडमिशन हो जाता है, राइट, किसी एक में नहीं, दोनों में। लेकिन अगर किसी का सिर्फ DAO में भी हो जाता है, बड़ी बात है, ऑब्वियसली यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट होल कराची, पूरी कराची में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं 15,000 के करीब जो कि अप्लाई करते हैं, वही कुछ चंद सीटों के लिए, 200-250 सीटों के लिए। तो ऑब्वियसली मेहनत तो करनी है, क्रीम ऑफ कराची, तभी तो कहते हैं DAO और AKU वालों को भी कहते हैं, हाँ कहते हैं भाई, ठीक है ना। ऑब्वियसली AKU तो AKU है, उसका अपना लेवल है, DAO का अपना स्टैंडर्ड है, बेहतरीन, दोनों बेहतरीन है, ठीक है। अब इस मेडिकल कॉलेज, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये ड्रीम होता है ना कि उनका DAO में एडमिशन हो जाए, DAO में ही। इनफैक्ट मेरा अपना भी शुरू शुरू में ड्रीम DAO का था, बाद में फिर इंटरेस्ट AKU का डेवलप हुआ, फिर मेरा AKU में भी एडमिशन हुआ, DAO में भी हुआ, राइट। आई वाज लकी, अल्लाह ताला ने साथ दिया, अल्लाह ताला ने हेल्प की। तो दोज ऑफ यू हु ऑलरेडी जॉइंड द AKU बैच 1 और 2 अभी भी ओपन है, 1 तो क्लोज हो चुका है, राइट, 1 में कोई एक्सेप्टेंसेज अबाउट नहीं हो रही, लेकिन 2 में अगर आप AKU में इंटरेस्टेड हैं तो आप AKU बैच 2 में आ सकते हैं अभी भी, ठीक है। लेकिन अगर आप MDCAT में इंटरेस्टेड हैं तो आप MDCAT का जो ये वाला बैच स्टार्ट हो रहा है ना 5 मार्च से, ये ऐसा बैच होगा कि जो 5 महीने चलेगा, और इस 5 महीने में कम्प्लीट सिलेबस कवरेज होगा। उसका रीज़न ये है, सबसे पहला रीज़न ये है कि ये वो टाइम है कि जिसमें हमारे जितने भी हम टीचर्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं मोस्टली, कुछ इंजीनियर साहब भी हमारे साथ, ठीक है। तो ये टाइम ऐसा टाइम है कि इसमें हमारा मेडिकल की पढ़ाई या तो ख़त्म हो गई होती है, एक ब्रेक होता है हमारा 1 महीने का, या तो अभी कोई नई क्लासेस स्टार्ट नहीं हो गई होती, ठीक है, मतलब रिजल्ट के बाद का टाइम होता है। अभी भी टाइम है हमारे पास काफ़ी, तो इसमें 5 महीने का प्लान होगा ये इंशाल्लाह। इस 5 महीने में फुल सिलेबस कवरेज होगा MDCAT का, उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके अलावा नोट्स, उसके अलावा MDCAT के पास पेपर्स, MCQs, मैक्सिमम पॉसिबल प्रैक्टिस सेशन। अगर आप समझो ना कि कम टाइम में सबसे ज़्यादा पढ़ाई आप अगर कर सको तो वो ये वाला टाइम है, ये वाला बैच है आपके लिए, ठीक है। मुझसे कुछ लोग यही पूछते थे कि हम क्या करें, मतलब हमारे तो एग्ज़ाम चल रहे हैं या A2 लेट से स्टार्ट हो रहा है, हम MDCAT A2 के बाद पढ़ेंगे। आप A2 के बाद नहीं पढ़ सकते, याद रखिएगा, ठीक है। A2 के बाद का अगर आपका प्लान है ना, तो अभी आपको स्टार्ट करना है ताकि क्योंकि A2 के बाद आप कंप्लीट कर भी सको, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये वाला MDCAT का, प्योर MDCAT का पहला बैच है,
तो प्योर एमडी कैड वालों के लिए ये सबसे अर्लीस्ट बैच है, और जो इसमें आएंगे उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, 5th मार्च डेट अपने पास याद से सेव कर लीजिए, लिख लें, रिमाइंडर लगा लें, अलार्म लगा लें, उससे स्टार्ट होगा। लेकिन एप्लीकेशन अभी से स्टार्ट हो गई हैं, आपको अगर ज्वाइन करना है मुझे वो इंस्टाग्राम पे अप्रोच करें, फेसबुक पे अप्रोच करें, अगर ईमेल है तो ईमेल कर दें, व्हाट्सएप तो भी किया हुआ आपने मुझे, वैसे रेयर है, व्हाट्सएप में यूजुअली देता नहीं हूँ किसी को अनलेस एंड अंटिल वो रजिस्टर्ड हो, लेकिन अगर व्हाट्सएप भी हो, अगर आप आना चाह रहे हो तो जस्ट व्हाट्सएप में डायरेक्टली, ठीक है, जल्द अज़ जल्द करें, ताकि फिर आपको हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में, जो सेकेंड व्हाट्सएप ग्रुप, इनफैक्ट ये अब थर्ड व्हाट्सएप ग्रुप होगा हमारा, फोर्थ व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें आपको फ़ौरन से ऐड कर सकें। ठीक है, अभी से आपको अपडेट्स देनी शुरू कर देनी है हमने, तो अपना ख्याल रखिएगा। एंड यस, वन मोर अपडेट कि AKU बैच 2 की अभी तक बायोलॉजी कोई क्लास नहीं हो रही थी, लेकिन अब टुमारो ऑनवर्ड्स देर वुड बी अ बायोलॉजी क्लास एवरी सिंगल डे फ्रॉम 9:30 to 12। ठीक है, तो ये अपने जहन में याद रखिएगा, वीकडेज में 9:30 to 12 है, और वीकेंड्स में 6 आवर की क्लास होगी, या 4 आवर की, 4 to 6 आवर की क्लास होगी सैटरडे एंड संडे, लेकिन वो मॉर्निंग में होगी, रात को नहीं होगी। ठीक है, तो those of you who are my students, please note that as well, मैं ग्रुप में भी आपको बता दूँगा बाय द वे। ठीक है, तो AKU बैच 2 अब फुली फंक्शनल भी हो गया है, और बिल्कुल अपने फुल स्पीड से अब आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, और 11th मार्च ऑनवर्ड्स फिर फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की भी क्लासेस, अब लॉन्ग क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो those of you who were waiting for the long classes to start, they are starting now. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, एंड मेहनत करते रहिए, और बाकी अल्लाह पे रिज़ल्ट छोड़ दें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके लिए वही करेंगे जो आपके लिए सबसे बेहतरीन हो इंशाल्लाह। ठीक है, तो दुआ करते रहिएगा अपने लिए भी, हमारे लिए भी, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, और अल्लाह हाफिज़।